खबर राजधानी देहरादून से है, जहां 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चार धाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह ने नगनियाल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए असामाजिक तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। जांच चल रही है, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहाँ पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं।